प्रिय शिक्षकगण, आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में, जो कि NIOS के द्वारा आप सभी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। मैं मधुसूदन जेवी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हूं। मैं 507 जो कम्युनिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन है, सामुदायिक और प्राथमिक शिक्षा है, इसका कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ। नीति निर्माताओं, शिक्षार्थियों और शिक्षा में शामिल लोगों ने शिक्षा में समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में भलीभांति रेखांकित की है, जैसे शासन प्रबंध, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, प्रबंधन, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, और शैक्षिक संस्थानों की निगरानी, जिसे हम मॉनिटरिंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। स्कूली शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी से निम्नलिखित बिंदुओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे शिक्षा की पहुंच, जिसे हम एजुकेशन के एक्सेस कहते हैं, प्रतिधारणा, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं, जो कि बच्चे एनरोलमेंट के बाद ड्रॉपआउट ना हो, इसको हम रिटेंशन कहते हैं, और गुणवत्ता, जिसे हम क्वालिटी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को हम याद करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक स्थानीय स्तर पर शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए समुदायों को सशक्त बनाना संबंधित था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने जिला और उपजिला स्तर, जैसे जिला बोर्ड ऑफ एजुकेशन और ग्रामीण एजुकेशन कमेटी के उचित संस्थागत ढांचे की स्थापना की सिफारिश की, ताकि यहां सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय के सदस्य प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। विकेंद्रीकरण और समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थानों से संबंधित 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन के साथ कदम आगे बढ़ गए। इस पृष्ठभूमि के साथ आप पाठ्यक्रम 507 से रूबरू होंगे, जो कि सामुदायिक और प्राथमिक शिक्षा है। आइए पाठ्यक्रम का अवलोकन करें। इस कोर्स जो है ब्लॉक्स में बांटी गई है। ब्लॉक वन जो है समाज, समुदाय और स्कूल, ब्लॉक टू जो है स्कूल प्रणाली है, और ब्लॉक थ्री जो है स्कूल समुदाय इंटरफेस का प्रबंधन संबंध में है। आप सभी जैसे जानते हैं, इन तीन ब्लॉक्स को 12 यूनिट्स में बांटी गई है। ब्लॉक वन के संबंध में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 हैं। यूनिट नंबर 1 जो है समाज एवं शिक्षा संबंधित है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन समाज और शिक्षा। एंड इसी तरह यूनिट नंबर 2 जो है समुदाय और स्कूल संबंध में है, और यूनिट नंबर 3 जो है स्कूल शिक्षा में समुदाय का योगदान, और यूनिट नंबर 4 जो है सर्वशिक्षा अभियान SSA और राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के तहत सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रावधान के संदर्भ में डिस्कशन की जाएगी। जब हम ब्लॉक 2 की बात करेंगे, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 एंड इवन यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8 जो हैं ब्लॉक 2 को संबंध करते हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 5 जो है बच्चों की हकदारी और स्कूल प्रावधान के संबंध में है। यूनिट नंबर 6 जो है शिक्षक और स्कूल संबंधित है। यूनिट नंबर 7 जो है शिक्षक नेतृत्व, जो टीचर लीडरशिप के बारे में डिस्कशन है, और यूनिट नंबर 8 जो है शिक्षा एजेंसियों के साथ संबंध के बारे में है। और आगे चल के हम देखते हैं कि ब्लॉक नंबर 3 से संबंधित यूनिट नंबर 9, 10 एंड यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 9 जो है सामुदायिक गतिशीलता, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रायोगिक आधारित है। यूनिट नंबर 10 जो है स्कूल का प्रबंधन है, और यूनिट नंबर 11 जो है स्कूल और समुदाय का संसाधन प्रबंधन है। यूनिट नंबर 12 जो है स्कूल और सामुदायिक साझेदारी के प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में है। मुझे आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन का इंतज़ार रहेगा। आपको इस कोर्स के संबंध में जो भी सवाल होंगे, आप सब मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।